हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने कक्षा 2 के पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं कविता पढ़ी थी। आपको उसका पूरा विवरण डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम इस पार्ट का अभ्यास कार्य करेंगे। आप सभी मेरे साथ पढ़िए। तो ये है एनसीईआरटी कक्षा 2 पार्ट 3 म्याऊं म्याऊं कठिन शब्द। इनको बेटा आपको पढ़ना व लिखना चाहिए, इससे आपको लिखना व पढ़ना जल्दी से आ जाएगा। पहला है बिलक्कर। ब ल ख क र बिलक्कर। दूसरा है च छोटों की मात्रा, ह छोटी की मात्रा, य आ चुहिया। तीसरा च बड़ों की मात्रा चंद्रबिंदु, ट बड़ी की मात्रा चूंटी। चौथा है क आ की मात्रा चंद्रबिंदु, प न ए की मात्रा कांपने। पांचवा है सा बड़े की मात्रा, झ आ की मात्रा सूझा। छठा मा छोटे की मात्रा, झ का ओ की मात्रा है मुझको। सातवां का ए की मात्रा, सा ए की मात्रा कैसे। आठवां ड र आ की मात्रा, बड़ऊ चंद्रबिंदु डराऊ। नौ बा ओ की मात्रा, ला बड़ी की मात्रा बोली। दसवां उ स क ओ की मात्रा उसको। ग्यारहवां अधम या आ की मात्रा, ऊ और चंद्रबिंदु म्याऊ। अगला है शब्द अर्थ। ये शब्द है और ये इनके अर्थ है। इसमें किसी के मैंने दो दो अर्थ भी लिखे हुए हैं। एक का एक मतलब अचानक यानी सहसा। बिलक्कर यानी जोर जोर से रोना। कांपना यानी थरथराना। घड़ी घड़ी एक एक क्षण या पल पल। सूझना विचार आना। जरा थोड़ा या कम। चूंटी चिकोटी। अगला है सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ। अब बच्चों इसको आपको करने में बहुत मजा आएगा। पहला क है लड़की कैसे रो रही थी। अब आपको पता है ना कैसे रो रही थी, आपको मैंने पोयम सुनाई थी। तो बताइए चिल्लाकर बिलककर सुबककर, तो कैसे रो रही थी। वेरी गुड बिलककर। तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। ख है लड़की को किसने काटा। चूहिया ने, बिल्ली ने, कुत्ते ने। किसने काटा था बच्चों, चूहिया ने। वेरी गुड। ग है लड़की को कहाँ काटा था। कान पर, हाथ पर, नाक पर। तो कहाँ काटा था बच्चों, वेरी गुड नाक पर। घ है वह किसको देखकर कांपने लगी। छिपकली को, चूहिया को, कॉकरोच को। किसको देख के कांपने लगी लड़की, बताइए चूहिया। वेरी गुड चूहिया। लड़की को क्या सूझा, तो क्या सूझा, बहाना उपाय या शरारत। क्या सूझा बच्चों, बहाना। वेरी गुड। आगे है नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। अब ये हमें शब्द दिए गए हैं, इसको हमें वाक्य बनाना है। तो आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं। मैंने जो बनाया है वो ये है। सूझा मुझे एक उपाय सूझा। धीरे से मीना जरा धीरे बोलो। सचमुच तुम सचमुच पढ़ना चाहते हो। बहाना राम का बहाना काम कर गया। आगे है वाक्य पूरे करो। वाक्य पूरे करो। क है यह मेरी डैश है, तो क्या लिखेंगे बेटा इसमें। हमने किसके किसके बारे में पढ़ा था, कुत्ता या बिल्ली, तो बिल्ली। किसके बारे में पढ़ा था, बिल्ली के बारे में। तो यह मेरी बिल्ली है। दूसरा ख है इसका नाम डैश है किटी की पूसी, तो लिख देंगे हम पूसी। इसका नाम पूसी है। यह डैश करती है। अब क्या करती है बिल्ली, क्या करती है, भौं भौं करती है या म्याऊं म्याऊं करती है। वेरी गुड म्याऊं म्याऊं करती है ना, म्याऊं म्याऊं। जब एक जैसे शब्द होते हैं तो उसके बीच में हम डैश लगा देते हैं। ये डैश है ना, ये योजक चिन्ह बोलते हैं इसको, योजक चिन्ह। मैं इसे डैश पिलाती हूँ। क्या पिलाती हूँ, दूध या पानी।
तो क्या पिलाते हैं, बिल्ली क्या पीती है, दूध पीती है ना, उसको बहुत पसंद है तो दूध। मैं इसे दूध पिलाती हूँ। फिर है मैं इसे डैश करता, लड़का है तो करता बोलेगा, लड़की है तो करती बोलेंगे, हूँ तो प्यार करते हैं, नफरत करते हैं अपने पेट से, तो प्यार करते हैं ना, तो प्यार, मैं इसे प्यार, मैं लड़की हूँ तो मैं बोलूंगी करती हूँ, प्यार करती हूँ। अगर आप लड़का हो तो आप बोलेंगे मैं इसे प्यार करता हूँ। अगला है वाक्यों को सही क्रम में लिखो। तो क है चूहिया काट गई नाक पर। अब देखो ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, ये है वाक्य और ये आगे पीछे करके लिखे हुए हैं, तो हमें इसे सही बनाना है, सही वाक्य है ना, मीनिंगफुल वाक्य। तो पहला है चूहिया काट गई नाक पर, तो इसको हम सही से करके लिखेंगे चूहिया नाक पर काट गई। दूसरा है लड़की को सूजा बहाना एक, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, लड़की जिसके बारे में बात हो रही है, तो लड़की को एक बहाना सूझा। ग है घुस गया शेर जंगल में, अब कौन घुसा, शेर, तो पहले कौन आएगा, शेर आएगा, शेर जंगल में घुस गया। फिर है घ चूहिया गई डर कर भाग, तो लिखेंगे चूहिया डर कर भाग गई। फिर है ग खड़ी गाय थी चौराहे पर, तो लिखेंगे गाय चौराहे पर खड़ी थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।